दिल्ली से हैं रामपाल जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर कल हेलो जी। मेरा ये हेलो जी, हम सुन रहे हैं रामपाल जी, आपका स्वागत है, बताइए। सुन रहे हो? ऐसा गोंद मंगाया था, सियागोंद मंगाया था मैंने, उसका जो है दर्द हो रहा है उससे। अब 2 महीने बाद में जरूरत होगी, उसमें पैर ठीक है में ठीक है दर्द ठीक ज्यादा हो गया। जी है, समझ गया। हाँ देखिए, बहुत देर से काम कर रहा है आप पर, अब इसने काम शुरू किया है। दर्द की गोली साथ में लें और ये छोड़े नहीं, वजन नहीं उठाएं और वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करें। किसी किसी पर बहुत देर से काम करता है, अब इसने काम शुरू किया है, बुरा न माने लेकिन इसका दर्द का आना ज़रूरी था। 5-6 दिन रहेगा, उसके बाद चला जाना चाहिए। 5-6 दिन दर्द की दवा साथ में लें, गोंद छोड़े नहीं। अभी 1 महीना 10 दिन की दवा आपके पास है, आधा आधा ग्राम गोंद खाएं, लेकिन वेस्टर्न टॉयलेट ज़रूर यूज़ करें और मेहनत ना करें, बिल्कुल वज़न ना उठाएं, तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन जी, पंजाब से हैं अशोक कुमार जी, स्वागत है आपका। है। थैंक जी सर। यू। नमस्कार जी, आपको मेरी बात सुनाई दे रही है? जी जी आपको मेरी बात सुनाई दे रही है? ऐसा जी दे रही है, आराम आराम से बात करिए। है कि मेरा मेरा नाम अशोक कुमार है, मैं पंजाब से बोल रहा हूँ जी। मुझे हाथ में प्रॉब्लम है, मेरा वर्किंग हार्ट 18% है, 80% है जी। लेफ्ट वेंट्रिकल वाल्व में प्रॉब्लम है, पंप नहीं ठीक तरीके से मेरा काम करता हाथ का। ठीक है, उम्र बताइए। ठीक मेरी उम्र 52 ईयर्स ओल्ड है। देखिए, ऐसे बैठे मेरी तरह और ये कान इससे मिलाएं, कान मिलाना है मोंढे से अपने, मोंढा नहीं उठाना और कान मिला, ऐसे आप 3 मिनट रोजाना करें, ठीक है। और ऐसे पूरी तरह मोड़ें, देखिए ये ठोड़ी यहाँ से यहाँ तक आ जाती है ऐसे, ये भी 3 मिनट करें। बहुत मुमकिन है कि आपको दवा की ज़रूरत ही ना पड़े, लगातार करते जाइए 3-3 मिनट, लेकिन इंसाफ से करें, घड़ी देख कर करें कि आपका पूरे दिन में 3 मिनट हो जाए। एक साथ नहीं कर सकते तो थोड़ा थोड़ा करके करें, लेकिन 3-3 मिनट ये ज़रूर करें। और याद रखें कि अगर इससे 15 दिन में बहुत बड़ा फ़ायदा मुमकिन है, और अगर आपको लगे कि दवा की भी ज़रूरत है आपको, तो गौंद स्याह खरीद लें और आधा आधा ग्राम 2 बार खाने के बाद यूज़ करें, पानी से या कम चर्बी के दूध से। असली गौंद स्याह लेना आपकी ज़िम्मेदारी है, नकली बहुत मिलता है, ये अगर आपको असली मिल गया तो फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, अगले कॉलर हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। मैम स्वागत है आपका। हेलो जी बताइए, ममतेश जी हेलो, बोलिए मैम, सवाल करिए। हकीम साहब से बात करनी है जी। जी आपका स्वागत है, जय हिंद, बताइए क्या सवाल है। जी सर, मेरे घुटने में दर्द है, हड्डी बढ़ रही है मेरी, और जी गाय पर रास मड्डी में, और जी जब चलती हूँ तो मतलब सूजन आ जाती है, चलती घूमती हूँ सूजन आ जाती है जी। कितनी उम्र है आपकी? जी 52 है। ठीक है। अच्छा देखिए, वो नुस्खा बहुत अच्छा है अगर आपको मिल जाए असली, और वो नुस्खा ये है कि अलसी को खरीद लें, 300-400 ग्राम अलसी खरीद लें और इसको हल्का सा भून कर पाउडर बना के रख लें, और आधा चम्मच अलसी और आधा ग्राम एक आता है गोंद स्याह, स्याह मतलब काला गोंद, और असली लेना ज़रूरी है, ये नकली भी बहुत मिलता है। गोंद स्याह असली आधा ग्राम और आधा चम्मच अलसी में मिलाकर आपको दिन में 2 बार खाना है, नाश्ते और खाने के बाद, पानी से या कम चर्बी के दूध से। ये अगर आपको असली मिल गया,
कौन से है, अलसी तो आप जानते ही होंगे। तो ये अगर 100 ग्राम भी असली मिल गया तो ये अपने ख़त्म होने से पहले रोग मुक्त करने की ताकत रखता है जी। हकीम साहब एक सवाल करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो गया है, जैसा कि हमारे पास एक दो कॉलर्स ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि हमें अभी आराम नहीं मिला है, और कुछ कॉलर्स जब हमें सही में ये बता देते हैं कि 30% तो असर हमें हो गया है, आराम हमें मिल गया है, लेकिन जिन लोगों को आराम नहीं मिल पाता है तो क्या वो कहीं ना कहीं लापरवाही कर देते हैं, क्योंकि ऐसा तो हम देख ही नहीं पाते हैं कि जो आप गौन बताते हैं दर्द को लेके उसने अपने 100% रिजल्ट दिए हैं, लाखों नहीं अब तो करोड़ों लोगों ने लाभ उठाया है, दर्द से निजात पाई है, यहां तक कि ऑपरेशन कराने जा रहे थे ऑपरेशन तक से वो बच गए हैं। वो देखिए जिम्मेदारी नहीं लेते हम कि आपको फायदा होगा, बिल्कुल, लेकिन किसी भी पैथी में अगर 60-65% लोगों को फायदा होता है तो उस दवा को बहुत बड़ी दवा समझा जाता है, लेकिन हमारे नुस्खे जात में और भी इससे ज़्यादा फायदा होता है, लेकिन कोई ना कोई एक पेशेंट ऐसा रह जाता है जिसके लिए हम कुछ नहीं कर पाते हैं। अब उसमें क्या वजह, क्या उनको ऑपरेट होने की ज़रूरत थी या वो अपने फायदे को छुपा लेते हैं, क्योंकि 5-7 दिन में ऐसा होता है कि दर्द कम या ज़्यादा होने लगता है, इसका आम तौर पर यह होता है गौंसिया को इस्तेमाल करने से, लेकिन कोई ऐसा भी पेशेंट होता है जैसे आज एक फ़ोन आया था कि 2 महीने बाद दर्द बढ़ा है, तो कोई ऐसे लाखों में अगर कोई एक ऐसा पेशेंट हो तो हम कुछ कह नहीं सकते, नहीं तो आम जो रिवायत है इसकी खाने की तो 5-7 दिन में फ़ायदा शुरू होता है, और 3-4 महीने अगर लगातार इस्तेमाल किया जाए तो बेशतर लोगों को फ़ायदा होता है। हम इसी से खुश हैं कि अगर एक पेशेंट को फ़ायदा नहीं हुआ तो 99 लोगों को फ़ायदा हो जाए, 1% लोग शायद भगवान की मर्जी ना हो या किसी का दिल दुखाया हो या भगवान राज़ी ना हो उनसे प्रसन्न ना हो, तो ऐसा भी कर सकते हैं कि भगवान को राज़ी करने के बाद ये दवा लें, किसी गरीब का दिल दुख गया हो गलती से अनजाने में तो उससे माफ़ी मांगें, या किसी गरीब आदमी पर कुछ खर्च करें अपनी ज़कात खैरात निकालें ताकि सदका निकालें अपने ऊपर से पैसे वार के किसी गरीब आदमी की मदद कर दें, उसके बाद अगर इस्तेमाल करें तो शायद फ़ायदा मुमकिन हो जी। चलिए कुछ और कॉलर से बात कर लेते हैं, दिल्ली से हैं श्री प्रकाश जी, स्वागत है आपका। हेलो नमस्कार जी। नमस्कार सर, ये मैडम एक दो सवाल थे जी मेरे। जी बताइए सर। एक तो मेरे पिताजी जिनकी एज 80 साल है, ठीक है, उनको एकदम से ज्यादा कमजोरी आ गई शरीर में, हाँ, और क्या नाम है ब्रेन नर्व सिस्टम है, और दूसरी बात वो जो भी काम करते हैं वो स्लो मोशन में करते हैं। ठीक है ठीक है। और अपने बारे में पूछना था एक एक मेरे यूरिन में जो है जांच बहुत ज्यादा आती है, डॉक्टर से कभी दिखाया था तो वो कह रहे थे आपका जो है प्रोपीन जा रहा है पेशाब में, उसके लिए पूछना था जी। आपकी उम्र कितनी है सर? उम्र 46 है। ठीक है सर। अच्छा एक चीज और पूछनी थी जी, जैसे मैंने ये गौंसिया मंगा रखा यहाँ से, तो जैसे हम दूसरी मान लिया कोई दवाई मंगाते हैं तो इसमें कुछ लेने में टाइमिंग देनी पड़ती है या एक साथ ले सकते हैं? ठीक है सर। ठीक है समझ गए जी। अगर वो गौंसिया के साथ गौंसिया का इस्तेमाल कर रहे हैं वो कोई और दवाइयाँ भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो क्या वो ठीक है, कोई ड्यूरेशन है? हाँ ज़रूर ले सकते हैं, साथ में भी ले सकते हैं, और इसको थोड़ा सा फ़र्क कर लें, थोड़ा सा आधा घंटे का गैप कर लें तो बहुत अच्छा है, लेकिन दवाइयाँ आप ले सकते हैं उनके साथ में, और पिताजी को बहुत ख्याल रखें, इसी तरह जो बच्चे भगवान से डरने वाले होते हैं और वो अपने इतनी उम्र के पिता का बहुत ख्याल रखते हैं, इसी तरह ख्याल रखें, और
कमजोरी के लिए देखिए एक नुस्खा मैं बता दूं आपको, और ये जो आपकी सौंफ और सौंठ, सौंफ सौंठ और धनिया और अलसी, सौंफ सौंठ धनिया और अलसी ये 100-100 ग्राम लें। इसमें 50 ग्राम बड़ी इलायची मिलाएं, बड़ी वाली जो काली इलायची होती है इसका बीज मिलाएं और इसको पाउडर बनाकर पाउडर बना दें, और अगर वो पाउडर खा लें तो बहुत अच्छा, आधा चम्मच इसका पाउडर खाएं। और इसमें एक आता है नमक जैतून, एक चुटकी नमक जैतून एक गिलास पानी में मिलाकर इस पानी से उनको दें तो उनके पूरे जिस्म में एक तहरीक आएगी यानी, और वो स्लो मोशन कम होना चाहिए धीरे धीरे, 3-4 महीने ये नुस्खा उन्हें दें। और आपके लिए ये नुस्खा है, और आप अपने आप को भी सीरियस लीजिए, प्रोटीन जाना अच्छी बात नहीं है। अलसी ले 200-300 ग्राम खरीद लें अलसी, और इसको हल्का सा भून कर पाउडर बना लें अलसी को, और एक चम्मच भर के अलसी खाएं इसका पाउडर, और एक चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी मिलाकर ये पानी पी लिया करें, दिन में एक बार या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार, आप दोनों को फ़ायदा होना मुमकिन है। और गौनसिया आप ले सकते हैं, आपने अगर मंगाया है तो ये भी जिस्मानी ताकत और जोड़ों के दर्द के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। दिल्ली से हैं भारती जी, स्वागत है आपका। हाँ जी नमस्ते जी। जी नमस्कार मैम। हाँ वो मैंने थोड़ा सा अपने बेटे के बारे में पूछना था, वो उसकी एज 16 है 16 साल, उसके विटामिन डी की कमी हो गई थी, वो जो लगभग 200 होना चाहिए 15 रह गया था, तो काफी उसको प्रॉब्लम थी, मतलब ग्रिपिंग भी नहीं आ रही थी हाथ में, जैसे पेन भी नहीं पकड़ पा रहा था। तो थोड़ा ठीक हुआ विटामिन डी, फिर बीच में अब दोबारा से हो गया, तो उसकी बॉडी में पेन रहता है और हड्डियों में थोड़ी आवाज आती है, कमर में दर्द ज्यादा रहता है। ठीक है जी। हाँ देखिए, एक तो उससे कहिए कि सेल फोन का इस्तेमाल करता है तो कम करें, कम से कम करें, और धूप में कम से कम 1 घंटा ज़रूर बैठें या पैदल चलें धूप में, पैदल नहीं चल सकते तो बैठ जाया करें धूप में, अगर सूरज के सामने नहीं बैठ सकते तो पीट करके बैठ जाएं, एक तो ये। और गोंद स्याह काला गोंद एक आता है जो नकली बहुत मिलता है, असली आप लें आपकी जिम्मेदारी है, 0.5 ग्राम गोंद स्याह सुबह नाश्ते के बाद दूध के साथ दे दें, और 0.5 ग्राम शाम को, बच्चे को फ़ायदा होना मुमकिन है, 2-3 महीने लगातार दें, अगर पहले भी फ़ायदा हो जाए जल्दी भी तो 2-3 महीना दें दूध से दें, फ़ायदा होना मुमकिन है। अगला कॉलर है हमारे साथ बिहार से, विनय जी स्वागत है आपका। हेलो नमस्कार सर। मुझे जो हो गया है तो क्या दिक्कत है? दिक्कत है वजन 30 किलो घट गया। वजन घट गया है जी। उम्र कितनी है आपकी? उम्र 53 जी। और कुछ तो और कुछ कहना चाहते हैं? डॉक्टर ने कुछ बताया आपको क्या? कंट्रोल मतलब 311 था भोजन के बाद, फिर हुआ फिर चेक कराया जुलाई में तो 305 था, अभी फिर चेक कराया। समझे आप? विनय जी आपकी बात समझ में नहीं आ पा रही है सर, थोड़ा अच्छे से बताइए, आपका वजन जो घट रहा है आपको डॉक्टर्स ने क्या कहा? डॉक्टर ने तो दिया एलोपैथिक का दवा जो खाया है, शुगर जो है थोड़ा सा डाउन हुआ,
311 था उस समय जी में। क्या 311 था? 311 mg बाय डीएल जो खाना के बाद शुगर जी। अच्छा 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 ठीक है ठीक है। अच्छा देखिए, शुगर को कंट्रोल करना ज़रूरी है, और शुगर पेशेंट को अपना वज़न कम करना चाहिए अपनी मेहनत से, पैदल चलकर और ये सब कर कर। शुगर अगर वज़न कम करेगी तो नुकसान पहुंचता है, और शुगर वाला अगर अपनी मेहनत से, मशक्क़त से, डाइट से वज़न कम करेगा तो उसको फ़ायदा पहुंचता है, ये भी एक तयशुदा बात है। तो डॉक्टर की दवाएं ले, अभी भी शुगर बहुत ज़्यादा है, और जामुन का गोंद लें। जामुन का गोंद ये ज़रा मुश्किल से मिलता है, नकली ना लें, असली लें, और एक चुटकी में जितना आए जामुन का गोंद सुबह अपनी दवाओं के साथ खा लें जो डॉक्टर की खाते हैं, और एक चुटकी शाम को, दो बार ये जामुन का गोंद खाना शुरू करें। आपको डायबिटीज़ को कंट्रोल काफ़ी तेज़ी से करता है। दुनिया में जो रॉ मटेरियल्स हैं, कच्ची दवाएं, तो उसमें मेरे अनुभव के अनुसार दुनिया की सबसे तेज़ असर है ये रॉ मटेरियल, जिसे जामुन का गोंद कहते हैं। शुगर वालों के लिए वरदान है, अपनी दवाओं के साथ एक एक चुटकी दिन में दो बार खाया करें, सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं।